तो गाइस कैसे हैं आप लोग, होप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। मेरा नाम है राघव, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं ना, मैं इस टाइम पे आज पहुंचा हूं अपने हॉटमिक्स प्लांट पे। आज थोड़ा मौसम थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, तो हमने थोड़ा सा प्लांट चालू किया है जो केसला का जो अप्रोच रोड बनाने हमें केसला वाले ब्रिज के उसके लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप DBM का प्रोडक्शन चल रहा है प्लांट पे, और यहाँ पे एक लोडर हमारा ये खड़ा है, दूसरा वाला भाई साहब थोड़ा खाना वाना खाने चले गए, इसलिए अभी दूसरा लोडर बुला के थोड़ा यहाँ पे होटल की लोडिंग कर रहे हैं। क्योंकि प्लांट को बंद नहीं करते, चाहे लंच टाइम हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये एक बार चालू हो जाता तो ये शाम को ही बंद होता है जब काम आपका कंप्लीट हो जाता है या फिर आपका जब शिफ्ट पूरी हो जाती है। तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि आप, ये DBM की लोडिंग चल रही है। अभी मौसम थोड़ा ठीक ठाक है, मटेरियल थोड़ा मॉइस्चर जरूर है क्योंकि ये देख रहे ना अभी धूप सी निकली है तो सूखता जा रहा है और यूज़ करते जा रहे हैं। और अभी सीधे चलेंगे केसला, और आज सुप्तावा पे भी चलेंगे क्योंकि सुप्तावा के ब्रिज के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग भाई कमेंट कर रहे हैं। मैं जा नहीं पा रहा हूँ, अभी काम मेरा केसला साइड में चालू हो गया, तो अभी सुप्तावा ब्रिज का मैं रोज़ दिखा सकता हूँ। तो अभी चलेंगे भाई केसला ब्रिज भी दिखाऊंगा जहाँ DBM का लेइंग कर रहे हैं, और सुप्तावा भी चलेंगे क्योंकि सुप्तावा में भी दिखा दूंगा। ब्रिज पूरा कंप्लीट हो चुका है, बन गया है, अभी वहाँ पर पानी कितना बढ़ गया पुराने वाले ब्रिज में ये भी दिखाऊंगा आपको। तो बने रहिए इस वीडियो में, चलो भाई शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। यहाँ पे दोस्तों आप ये यूनिट देख रहे हैं ना, ये आप जो ट्रेलर के ऊपर एक ये प्लांट लगा हुआ देख रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे जो प्लांट है ये अलग से प्लांट नहीं, ये मोबाइल कंक्रीट प्लांट है जो इस ट्रेलर के ऊपर फिक्स है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रेलर, ये पूरा चैसी टाइप का ट्रेलर है, इसके ऊपर ये यहाँ पे पूरा फिक्स है, ये आप देख रहे हैं ना, ये नट बोल्ट से पूरा फिक्स किया हुआ है। तो ये मोबाइल कंक्रीट प्लांट है, ये CP18 इसका मॉडल नंबर है, छोटा प्लांट है, स्विंग स्टेटर कंपनी का है। इसके बेनिफिट क्या रहते हैं, इसको जहाँ पे आपका कोई बड़ा ब्रिज बन रहा हो तो इसको जगह पे आप ले जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल हो जाता है। अभी जिस पोजीशन में है ना इसका जो ये मिक्सर है ना, ये सामने आप देख रहे हैं ये मिक्सर की मोटर लगी हुई है, इसको यहाँ से खोल के बाद में आपका जो क्रेन या हाइडर रहेगा यहाँ से खोल के इसको सीधा कर दिया जाएगा, और उसके दूसरे साइड में आपका मिलर लगेगा वहाँ से इसका लोडिंग होगा। और ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा रैम बनाना पड़ेगा, रैम बनने के बाद यहाँ पे आप लोडर या फिर एक्सकेवेटर से आप JCB से आप इसका हॉपर लोडिंग करेंगे। तो ये वाले कुछ किस्से रहते हैं, अभी ये पूरा खुला हुआ नहीं, अभी थोड़ा बंद है, जब इसको चलाते हैं तब बहुत हमने काफ़ी मात्रा में चलाया। जब हमारा नया प्लांट आए थे तो वो इंस्टॉल नहीं हो पाए थे, तो हम लोगों ने इसी प्लांट से काम चालू किया था जब हमारे छोटे छोटा काम जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, इसमें वाटर टैंकर अलग से रखना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई ये मोबाइल कंक्रीट प्लांट, जैसे कहीं कहीं डैम के काम चल रहे हैं या कहीं सेपरेट कहीं ब्रिजों के काम चल रहे हैं तो शहर से काफ़ी दूर रहते हैं, तो वहाँ पर हर कोई पहुँच, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं उस जगह पर पहुँचाने के लिए। तो आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे को बताना, मैं जरूर बनाऊंगा, पर अभी आपको छोटी सी झलक दे दी। और अभी चलते हैं सीधे अपन केसला की तरफ, फिर सुप्तावा की तरफ। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं ना हमारी ये 5 गाड़ियाँ रेडी होके आ गई हैं, बाकी की 2 गाड़ियाँ और भेज दी हैं अभी, क्योंकि एक एक अभी बारिश का मौसम चला थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि पेंट वेंट करने में एकदम सूखा चाहिए। तो ये एकदम कंप्लीट होकर आ गई, यहाँ पे देख रहे हैं ना लाइट वाइट लग के इंडिकेटर विंडिकेटर लग के एकदम तैयार हो गई हैं। और ये वाली गाड़ियाँ इसमें इस टाइप के कांच भी लगने चाहिए ऊपर लगते हैं ना, जैसे मैं ये दिखाता हूँ ये वाला, ये इसमें तो नहीं लगाया, इसमें लग गया है। अभी जो बच्चे वो भी आएंगे, ये जो ऊपर रहता है ना ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला, बाकी इनकी मडगार्ड वगैरह, इनमें आगे की हेडलाइट वगैरह, इंडिकेटर हुए, और आपकी ये सीटिंग वीटिंग जो सब है वो सब कुछ बन गई है। अभी मैं आपको यहाँ पे इसके केबिन खोल के दिखाता हूँ, ये अंदर से सीटिंग वगैरह एकदम कंप्लीट किया है, पूरा इसका डैशबोर्ड वगैरह जो भी रहेगा सीटें वगैरह, क्योंकि ये क्या उसमें जाएंगी ना अभी ये फिटनेस होने तो उसमें दिक्कत आती है, इसमें जैसे ये पर्दे वर्दे लगाने, अभी बोलोगे तो एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर पे, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, अभी तो जल्दबाजी में बना रहा हूँ। क्योंकि ये कुछ गाड़ियों की जैसे बॉडी जैसे ये थोड़ा ख़राब सी हो गई तो इनका कुछ उपाय नहीं है, जैसे ये वाली गाड़ी की बॉडी थोड़ी अच्छी है तो इस पेंट होने के बाद थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो गाइस यहाँ पे आप नज़ारे देख रहे हैं ना, ये नज़ारे हैं भाई सुप्तावा ब्रिज के। फाइनली आप लोगों की डिमांड पे मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे सुप्तावा नदी पे, और नदी के पास भाई देखो पानी कितना शांत बह रहा है। और आप देख रहे हैं ना यहाँ से आपको मैं अपना ब्रिज दिखाता हूँ, ये अपना ब्रिज एकदम बन के तैयार हो गया। यहाँ पर जो स्लैब व्लैब जो डलनी थी सारी डल के एकदम रेडी हो गई, पर यहाँ पर पानी का भराव बहुत ज़्यादा हो गया। अभी आप देख रहे हैं पुराना जो पुलिया था अपना यहाँ पर वो पूरी तरह से डूब चुकी है। अभी क्या ब्रिज के नीचे एक स्पान की शटरिंग तो निकाल ली, बाकी 2 स्पान की अभी तक शटरिंग भी निकली क्योंकि पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ वहाँ का आगे का हाल। बाकी यहाँ पे देखिए खूबसूरत, देखो भाई जब तवा डैम में पानी ज़्यादा स्टॉक हो जाता है वो पानी यहाँ तक आ जाता है अपने सुप्तावा ब्रिज तक। इस बार इतने जो चर्चे जो हर बार बनते वैसे नहीं बने, क्योंकि इस बार यार अपना ऊपर वाला ब्रिज चालू था तो यहाँ पर बस खूबसूरती खूबसूरती नज़र आ रही नहीं। पिछले बार यहाँ पे कैसे हालत बन गए थे, यहाँ पे बिल्कुल युद्ध इस तरह जैसी चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे आर्मी की भी आई थी जो वैली ब्रिज बनाने, हम लोग भी अपना ब्रिज बना रहे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया था लास्ट टाइम, पर इस बार बिल्कुल शांत माहौल है यहाँ का।
यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे इतने ही नज़दीक से मैं दिखा सकता हूँ क्योंकि इसके आगे तो भाई पानी पूरा भरा हुआ, लगभग तीन से लेकर 5 फीट तक पानी भरा हुआ। आपने गाड़ी के पूरे पूरे टायर डूब जाते हैं, बड़ी वाली गाड़ी के। बाकी ये आप देख रहे हैं शटरिंग अभी भी लगी हुई है, इसको खोलने का तरीका धीरे धीरे से याद कर रहे हैं। नीचे कभी कभी बोर्ड भी लगा लेते हैं, हाइड्रा वाइड्रा पहले लगा के खोली थी पर अभी तो पानी ज़्यादा हो गया। अभी देखो देखो पानी एकदम साफ़ सुथरा है ना, यहाँ पे नदी एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरी बह रही ना। कल यहाँ पर गणपति विसर्जन होगा तो देखना पूरा गंदगी गंदगी हो जाएगी यहाँ पर। इस लोकेशन पे दोस्तों आप लोगों का जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहते हैं ना भाई, ब्रिज के एक जो अपडेट रहता है वो, और एक यहाँ पे एक पीपल का पेड़ रहता है वो भी मैं दिखाऊंगा। अभी मैं ब्रिज के ऊपर आ रहा हूँ। जो अपना LHS RHS वाला जो ब्रिज है वो तो सामने आप दिख रहे हैं, ये है LHS ब्रिज वाला ब्रिज, तो ये भी कम्प्लीट हो चुका है। अब इसकी फिलिंग करेंगे अपन। और यहाँ पर देख रहे हैं झंडे वंडे लग के BJP का प्रचार हो रहा है यहाँ पर, देख रहे हैं एक बार फिर भाजपा सरकार। ये क्यों लिख दिया अभी से यार, इसकी पेंटिंग वेंटिंग भी नहीं हो पाई। ये तो भाई चुनाव का माहौल है तो अभी तो जहाँ मौका मिलेगा वहीं प्रचार हो जाएगा, जैसे हमारी दीवारों पे भी प्रचार हो गया। खैर अभी ये साफ सूफ करेंगे, बाद में ये कर पेंटिंग तो होती ही है तो सब बराबर हो जाएगा। बाकी अपना ये एक्सपांशन जॉइंट मिल मिला, क्योंकि ये स्लैब का क्यूरिंग पीरियड भी पूरा हो गया तो अभी यहाँ पर क्यूरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी नदी दिखाता हूँ यहाँ से आपको, ये देखो भाई तो कितनी विशाल नदी है। अभी क्या पानी यहाँ पर तवा डैम का बैक वाटर आ जाता ना यहाँ तक, तो इससे और ज़्यादा पानी दिखता है। लास्ट टाइम तो भाई बहुत ज़्यादा नज़ारे आ रहे थे यहाँ पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये खूबसूरत बैली ब्रिज आपको दिख रहा होगा, और इसी के बाजू में अपन ने यहाँ पे अपना पेड़ लगाया था। तो पेड़ में यार मेरे को लगता है बकरियाँ इसको खा गई लग रहा है भाई, हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं। पेड़ तो ठीक है अपना, क्योंकि तो बरसात का मौसम है अभी तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है भाई, धीरे धीरे वो हो जाएगा सही, बढ़िया हो जाएगा। तो गाइस देख रहे हैं ना, हम लोग पहुंच गए साइड पे, ये केसला का गांव है, यहीं पे हम लोग ये रोड बनानी, बीच में यहाँ पे अभी वाइडनिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि अभी बीच में ट्रैफिक मूव हो रहा है, और सामने जो पुल है वो हमारा बन चुका है। तो प्रॉब्लम भाई ये आई है, देखो गाड़ियाँ यहाँ पे एक ये खड़ी हो गई है और पेवर भी आ रही है, और भी गाड़ियाँ जो अभी है वो देखो सारी गाड़ियाँ लाइन से आ गई हैं। पर प्रॉब्लम ये हुआ है यार, हमारा एक रोलर यहाँ पहुँचा था वो ख़राब हो गया, ये वाला जो रोलर है ना ये ख़राब हो गया। गौ माता कितनी सारी घूम रही है यहाँ पर, ये जो रोलर में थोड़ा सा कुछ आगे पीछे नहीं हो रहा, ब्रेक इसके चिपक रहा है, तो हमने दूसरा वाला रोलर बुलाया इसलिए हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो भाई एक चीज़ बताओ मेरे को, यहाँ पे जैसे गाय वगैरह ये देखिए रोड पे ही क्यों बैठती है, इनका एक सोल्यूशन आपको बताओ, कमेंट में करके जरूर बताना। मेरे हिसाब से मेरे को क्या लगता है कि बरसात के टाइम पर लगती हैं मक्खियाँ ज़्यादा, तो जब मक्खियाँ ज़्यादा लगती हैं तो रोड के किनारे बैठने पर क्या गाड़ियाँ चलती हैं तो उससे हवा नहीं आती है, इससे इनको मक्खियाँ नहीं मिलती और रोड एकदम सूखा मिलता है, बाकी जगह कीचड़ वीचड़ रहता है, तो इसलिए गाय वगैरह ये जो जानवर रहते हैं ना वो रोड पर इसीलिए आते हैं। तो एक तो इनको हवा लगती रहती है तो मक्खियों से निजात मिल जाता है, आई थिंक यही रहता है। और एक बात बता भाई, ये जो गाय है इसमें लकड़ी का डंडा क्यों बंधा हुआ है, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा मस्ती को रोगी अपने साथ, ज़्यादा दौड़ती भागती होगी इसलिए। और आइए आगे का काम करते, कल हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा काम स्टार्ट भी किया था पर यहाँ पर बारिश हो गई तो सडन बंद करके फिर चले गए थे। आज मौसम ठीक है, थोड़ा सा धूप भी निकली है तो अभी सरफेस भी बढ़िया है, तो अभी इसका आगे का प्रोग्राम यहाँ पर चालू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, हमने लेइंग चालू कर दी, ये जो रोलर वही वाला है जो ख़राब हो गया था, दूसरा रोलर भी बस 10-15 मिनट में पहुँच जाएगा। पर भाई अभी जैसे ही है ना भगवान का नाम लेके इसमें एक बार सेल्फ मारा तो स्टार्ट भी हो गया, और थोड़ा सा ऐसे ही हाथ जोड़ के चालू किया तो अपने आप वही चालू भी हो गया, वर्किंग कंडीशन में भी आ गया। तो अभी इसकी थोड़ा पानी की मोटर का हमने सुबह रिले विले चेक किया तो मोटर का रिले विले का फ्यूज़ थोड़ा सा गड़बड़ कर लिया, अभी इसको चालू कर लिया है मोटर वोटर, तो अभी इसी से रोलिंग करना चालू कर दें। ये देखो तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे रोलिंग वोलिंग करना चालू किया भाई इसी रोलर के चक्कर में, सुबह से हमें दोपहर से बैठे हैं हम लोग, दोपहर 1 बजे से हमारा प्रोग्राम गड़बड़ हो गया और अभी यहाँ पे फाइनली चालू हो गया। दूसरा रोलर के चक्कर को, दूसरा रोलर यहाँ से बहुत दूर, लगभग है ना मेरे हिसाब से 60 किलोमीटर दूर है दूसरा रोलर, तो वहाँ से आने में ज़्यादा हमें अभी तक पहुँचने वाला होगा, पर उसका बच्चा ये वाला भी चालू हो गया। तो जैसे से कभी कभी रहता है भाई, एरिया का फर्क पड़ता है यहाँ पर, जब भी काम करते हैं ना तो लोकल के स्थानीय देवी देवताओं के हाथ पैर जोड़ लेनी चाहिए तो काम आपका अच्छा होता है, ये बात मैंने महसूस की एक दो बार, अभी सहम चीज़ वही की हमने। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, हमारा DBM का काम लगभग कंप्लीट हो गया, दोनों साइड के अप्रोच जुड़ गए हैं और ये यहाँ पे गर्डर बन रहा है इस नए ब्रिज के लिए, क्योंकि यहाँ पे अपना नया ब्रिज बनेगा। अभी हमारा थोड़ा टेम्प्ररी ब्रिज आधा ही चालू हो रहा है आप देख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे भी अभी वही कटिंग आई जो सैम 102 के चैलेंज में आई ना जो ब्रिज में, तो यहाँ पे भी एक नया ब्रिज बनेगा। तो अभी हम ब्रिज के ऊपर की भाई PC का काम करने वाले हैं, यहाँ पे जो बियरिंग कोट रहेगा ना उसका काम करने वाले हैं, तो क्लीनिंग होने के बाद यहाँ पे टैक कोट लग रहा है, जैसे कि आपको पता ही है टैक कोट हो जाएगा हमारा कंप्लीट, उसके बाद फिर हम लोग मटेरियल वगैरह कंप्लीट है तो PC भी कर दें। तो आज यहाँ का काम हमारी पिक्चर यहाँ की केसला वाली
क्लियर हो जाएगी। तो केसला में वन साइड हमारा ट्रैफिक आज से कल से हम लोग चालू कर सकते हैं। रात में हम लोग शायद शोल्डर वगैरह भी कंप्लीट कर देंगे, तो कल देखते हैं भाई यहाँ पर ट्रैफिक व्राफिक कल ओपन करने आएंगे यहाँ पर, तो ओपन करके ट्रैफिक भी घुमा देंगे। और साथ साथ में कल नहीं तो परसों से अपन नीचे वाले ब्रिज का भी काम चालू करेंगे, क्योंकि ये वाले ब्रिज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही एक ब्रिज बचा हुआ है हमारा और लास्ट ब्रिज, क्योंकि इसके अलावा सारे ब्रिज हो गए। केसला वाला ब्रिज का भी भाई काम चालू हो गया, आपको पता है राफ्ट का काम चल रहा है। यही एक ब्रिज बचा है जिसका मैं, क्योंकि इस ब्रिज में थोड़ा प्रॉब्लम भी आने वाली, क्योंकि यहाँ पे देखो पानी काफ़ी मात्रा में भरा हुआ है। इसमें क्या प्लानिंग होगी कैसे होगा, क्योंकि अभी भी पानी अभी लगातार आ रहा है, नदी के अंदर पानी है ना, बरसात का भी सीजन ही चल रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं ना, फाइनली यहाँ पे हमारा काम निपट गया और जस्ट अभी रोलर पहुँचा है। टाइम हो रहा लगभग शाम के 7 बजे का, अब अगर रोलर आता तो अभी लेइंग चालू करते तो भाई कब तक निपटते भाई पता नहीं चलता, इसलिए अच्छा रहा वो हमारा रोलर चालू हो गया, भगवान की कृपा रही। और यहाँ पे हमारा काम यहाँ पे खत्म, थोड़ा सा रह गया 20 मीटर के आसपास पैच बच गया, तो कल करेंगे या परसों करेंगे जब भी करेंगे, कल यहाँ पे ब्रिज का क्लीनिंग भी करना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं ब्रिज साइड में है और हम लोग अभी आधा लगभग 3 मीटर हमने छोड़ रखा है, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ब्रिज इस रोड के ऊपर ही जाएगा, जो अगला वाला हमारा रोड भी सब उधर ही जाएगा। तो बाद में क्या होगा जब ये ब्रिज में अभी टेम्परेली ट्रैफिक चालू कर देंगे, बाद में फिर इसका बीच का हिस्सा भी बनाया जाएगा, तो ये वाली कुछ मुसीबतें रहेंगी। इसलिए यहाँ पे रनिंग ट्रैफिक के बाजू में एकदम ब्रिज बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे सुप्तवा में हुआ ऐसे ही दोस्तों आपका ये अभी 102 जहाँ चैनेज पर कर रहे हैं वहाँ पर हुआ, ऐसा ही सेम कंडीशन भाई यहाँ पर अभी बन रही है। तो अभी रोलर आ गया, रोलर को उतार दें भाई। तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं ना रोलर सामने पहुँच गया अपना, इसको भी उतारते हैं। तो यहाँ पे भाई अपना एक्सकेवेटर चल रहा था, यहाँ पे ड्रेन का काम चल रहा है, ड्रेन एक्सकेवेशन का केसला में। तो यहीं पे भाई थोड़ा सा रैम बना लिया, कीचड़ जैसा मट्टी है, बारिश का टाइम तो चल ही रहा है, तो हल्का फुल्का रैम बना के रोलर तो उतर जाता, रोलर उतरने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं, तो उसने बना दिया रैम। अभी फटाफट ट्रेलर लगाते हैं और ऑपरेटर से बोलते हैं इसको उतार देगा। तो भाई यहाँ पे देख रहे हैं 7:30-8 के आसपास टाइम हो गया, अभी ड्रेन का काम जैसे निपटा, जैसे कि ये है ना इसमें अभी सर्विस रोड बनेगी, सर्विस रोड बनाने से पहले ड्रेन बनाई जाती है, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ ना ये ड्रेन ही है, ड्रेन को ऊपर से कवर भी करना पड़ता है, तो इसीलिए भाई यहीं पे एक्सकेवेशन चल रहा था पास में ही, थोड़े से 500 मीटर दूर अपना काम चल रहा है। तो ये लगाया भाई कीचड़ में, रैम बनाया, देखो रोलर फंसेगा तो नहीं, उस्ताद ने एक बार में लगा दिया है।